कोई भी ट्वीट आप 30 मिनट में सुधार सकते हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने अपने सभी यूजर्स के लिए एडिट बटन देने की तैयारी शुरू कर दी है। कंपनी का कहना है कि आने वाले कुछ हफ्तों में इसे ब्लू टिक यूजर्स के लिए जारी कर दिया जाएगा। कंपनी ने कहा है कि नए फीचर्स की मदद से यूजर्स अपने ट्वीट में आधे घंटे के अंदर कोई भी बदलाव कर सकेंगे। हालांकि यूजर जो भी बदलाव करेगा वो उसे ट्वीट एडिट होने के बाद एडिटेड ट्वीट्स आइकॉन, टाइम स्टैम्प और लेबल के साथ दिखाई देगा। इससे अन्य यूजर्स को ये पता चल जाएगा कि उस यूजर ने अपने ओरिजिनल ट्वीट को मॉडिफाई किया है। एडिट ट्वीट ऑप्शन कुछ देर के लिए ही होगा। ट्वीट करने के बाद 30 मिनट तक ही यूजर्स ट्वीट में एडिटिंग कर पाएंगे। अभी तक एक बार ट्वीट किए गए कंटेंट को एडिट करने का मौका नहीं मिलता था, जिस वजह से यूजर्स को दोबारा ट्वीट करना पड़ता था। कंपनी का कहना है कि फिलहाल ये सेवा अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक ही सीमित है। अभी भारतीय यूजर्स को इस सेवा के लिए इंतजार करना पड़ेगा। इस फीचर को सबसे पहले ब्लू टिक यूजर्स के लिए जारी किया जाएगा। हालांकि इस फीचर के इस्तेमाल के लिए आपको हर महीने 400 रुपए भी चुकाने पड़ेंगे। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।